गुड मॉर्निंग भूल गए तुम लोग आवाज बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ। ओके। भूल गया ना तो कल मैंने क्या क्या बोला था आपको क्या बोला था मैंने कल आपको दो स्टेट महाराष्ट्र तमिलनाडु कितने आरोसी है तुमको ये बोलने के लिए बोला ना तुम मेरे को क्या बोल रहे हो है वापस स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन रोन कितने आरो सी है दो समझ में आया सबको हाँ है ना बोलो सर सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे डिक्लेरेशन दे दू आज मेरा कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है अगर किसी के घर से मेरे को फोन आया तो मैं बोल दूंगा मेरा कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है ओरिजिनल लेक्चर भी नहीं हुआ मेरा ठीक <laughs> है और जो लोग रेड कलर में बैठे हैं उनसे थोड़ा दूर रहना आज समझ में आ रहा है ठीक है ये, ये मतलब तुम्हारी लिस्ट पे नहीं होने चाहिए अभी ठीक है ये चीज को याद रखना ठीक है अरे <laughs> देख रहे हो जितने भी लोग रेड कलर में है ना हम्म पक्का हाँ अरे मेरा गुलाबी है तेरे को नहीं पता अबे लड़कों के कलर देखने का नजरिया लड़कियों का अलग नजरिया होता है अपने लिए रेड है सब लड़कों के लिए रेड अपने सारी कलर होते हैं ग्रीन ब्लू रेड ब्लैक और समझा तो व्हाइट तुम लड़कियों को पूछ के देखो ये कौन सा कलर है पीच सुना था तुमने सुना था तुमने बोलो हाँ है ना एक और कलर होता है मजंटा पहले तो मेरे को लगता था ये गाली है मैं कैसे मजंटा फिर लड़की मेरे को एक दिन बोली अरे ये कलर होता है बोला ऐसा भी होता है बैंगनी कलर होता है लड़की को पूछ होता है ऐसी समझ में आ रहा है रेड नहीं है ये पीछ है समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना क्यों क्योंकि मेरी शादी हो गई है बीवी को मुझसे प्यार नहीं है, पर मेरे को तो है चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना आज का लेक्चर नंबर कौन सा बोले फाइव थोड़ा सा पहले रिविजन करेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे आगे आर यू रेडी ठीक है बुक बंद रिविजन करते बुक और कल शायद मैंने होमवर्क homework... होमवर्क दिया था मैंने हाँ ना कितने लोगों ने जेन्यूनली ट्राई किया अच्छा अच्छा कुछ लोगों ने दो दो हाथ रेज ऊपर किए एक जन तो पैर लेके भी रेडी हो गया था मैं जेन्यूनली पूछा जेन्युनली जेन्यूनली, जेन्यूनली ट्राई किया कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन ये एंट्री नंबर सेवन के अंदर आएगा कौन सा यूनियन स्टेट कॉन्करेंट कौन सा लिस्ट कॉन्करेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्करेंट करेंट है स्टेट अलग लगाता है क्या अपना नो सर यस सर कॉन्ट्रैक्ट यूनियन लॉ है कॉन्करेंट लॉ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जीएसटी जैसा लगता है क्या जैसे सेंट्रल जीएसटी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं अच्छा व्हाट अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंट्री नंबर 92 ए यूनियन लिस्ट बोलो है हाँ ना जिनका 92 टू ए आया क्लोज इनफ वेरी गुड ठीक है आपको एग्जैक्ट एंट्री लिस्ट वैसे भी नहीं मिलने वाला ठीक है एक आधा क्लोज वाला गया कंपनी का भी एंट्री लिस्ट फोर्टी थ्री फोर्टी फोर में कॉर्पोरेशन वर्ड यूज किया है कंपनी वर्ड यूज ही नहीं किया है क्लियर है वॉट अबाउट पार्टनरशिप मिले सेवन कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट सो पार्टनरशिप भी कॉन्करेंट एक्ट है क्या आगे okay. अब दूसरा ठीक है चलो ये तो ठीक है एंट्रीज का क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दूंगा व्हाट अबाउट अथॉरिटीज चैप्टर लिस्ट निकाल के लाई क्या चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट में कितने चैप्टर्स है जोर बोलो, से बोलो नाइन उसमें से आखिरी चैप्टर दो निकल गए हैं ओके तुमने कौन सा पढ़ा आखिरी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलो हाँ है ना उसके पहले कौन सा कॉसी कॉन्टिजेंट वगैरह वाला कुछ याद आया और ना ओके सेल ऑफ एक्ट में कितने चैप्टर्स है जोर से बोलो सेवन पार्टनरशिप एक्ट में कितने चैप्टर्स है एट ये समझ में आया ऑथोरिटी स्ट्रक्चर एनी वन द ऑथोरिटी स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट बोलो हाँ किसी को नहीं मिला सच में अच्छा वो जो था दिल से ढूंढा गया कितने घंटे ढूंढा एक <laughs> एक घंटा कल तुमने कुछ और ढूंढा होगा <laughs> <laughs> बोल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहे हो सो so, बोलो एंपेरियल लेजिस्लेशन सुना है कभी किसी ने वही है चलो गुड पास पहुंच गए हो एग्जैक्ट सिचुएशन मैं समझाऊंगा डोंट वरी आज मैं एक और दिन देता हूं ठीक है वन मोर डे कैसा है मैं मेरे होमवर्क के बारे में बहुत मैं लिटरली बोल रहा मैं बहुत सीरियस हूं आज मैं ऐसे सबके बुक चेक कर सकता हूं सर, <laughs> चार सौ लोगों के बुक तुम कैसे चेक करोगे पागल समझे हो हमको अपने पास टेक्निक है चार सौ लोगों के बुक चेक करने का वो टेक्निक भी आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ठीक है हर रोज एक एक रो की जिम्मेदारी होती है कि उस कॉलम के सभी लोगों के होमवर्क चेक करना ठीक है जैसे फर्स्ट डे जिस दिन मैं होमवर्क चेक करवाऊंगा जो पहली रो है वो सब उठेगी और सबके होमवर्क चेक करेगी जो उस कॉलम में में है है ठीक ऐसे सिचुएशन जिसने होमवर्क नहीं किया वो खड़े होते हैं पीछे अगर आप होमवर्क नहीं किया और खड़े भी नहीं हो तो फिर आप क्लास के बाहर जाओगे मैं रूल्स आज ही समझा दू सब ठीक है पहले चार डेमो लेक्चर हो गए अभी एडमिशन कंफर्म सो पहली रो सबके होमवर्क चेक करेगी जो पहले रो जो होमवर्क चेक करे उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते वो पहले बाहर ठीक है ये सब मैं जो बोल रहा हूं सुन लेना बाद में ये सब क्वेरीज तुमको आएगी फिर तुम मेरे को ये दोगे फिर मैं वापस तुमको बोलूंगा ये रीजन नहीं चलते खड़े रहना पड़ेगा बेटा इसलिए पहले ही बोल रहा हूं जो होमवर्क चेक करने वाले से कोऑपरेट नहीं करेगा बाहर जो ये बोलेगा सर मैं बुक भूल गया बाहर जो ये बोलेगा मैं कल अपसेंट था दो दिन बाहर अगर तुम अबसेट हो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मैंने क्लास में क्या लिखाया क्या सिखाया वो समझना क्लियर है अरे शाहरुख खान पढ़ा रहा हूँ ना मैं। दो मिनट बाहर रुको बुलाऊंगा ठीक है लजगा सो मैंने पढ़ाया मैं... हाँ आ जाओ आ जाओ ठीक है ये आदत लगाओ ठीक है जब कंसेप्ट शुरू होता है एंट्री नहीं करना चाहिए ठीक है अब इनको भी होमवर्क के बारे में पता चलना चाहिए ओके चलो अपनी अपनी जगह ले ली सबने बोलो हाँ है ना ओके okay, अब मैं होमवर्क के रूल्स बोल रहा हूँ जो लेट आए वो थोड़ा सा सिंसियरली समझेगा एवरीवन ठीक है एक काम करो इज बेटर लिख लो ठीक है बुक के पहले अब कोई भी जो रजिस्टर आपने बनाया है ठीक है उसका फ्रंट पेज निकालना फ्रंट मतलब जहां पे नाम लिखने की जगह होती है सबसे सब पहले तो वहां पे नाम लिखो अपना

और अगर फिर तुम मम्मी पापा का नाम लिखने के किसी भगवान को मान रहे हो तो उसका नाम लिख सकते हो हर हर महादेव पे जा रहे हैं ना बोलो हाँ है ना थोड़ी तो इज्जत दो कभी अगर उन्होंने तुम्हारी बुक खोल के देख ली तो मीठे में खुद ही मुस्कुरा लेंगे क्या बेटा है क्या बेटी है मेरी वाह बोलो हाँ है ना चलो अब उसके नीचे हेडिंग डालो रूल्स ऑफ होमवर्क रूल्स ऑफ होमवर्क ठीक है ये मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूं लास्ट बैच तक मैं नहीं लिखवा था बट उससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते थे इसलिए मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूं ठीक है जाओ बड़ा इन द फॉलोइंग केसेस इन द फॉलोइंग केसेस लॉकी लैंग्वेज यू नीड टू स्टैंड इन द फॉलोइंग केसेस नीड टू स्टैंड और गो आउटसाइड द क्लास और गो आउटसाइड द क्लास एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचर गो आउटसाइड द क्लास एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचर फुल स्टॉप ठीक है थोड़ा दो मिनट इसके ऊपर जाएगा लेकिन अगले अपने एक दो घंटे जितने भी बच सकते हैं वो यहां पे बच जाएंगे ठीक है उसके अंदर रूल नंबर वन सर आई फरगॉट माई बुक जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती बुक भूल गया लड़की होगी तो गई लिखना नहीं तो बोला कि सर तुमने रूल में गया लिखवाया था गई तो लिखवा ही नहीं था मैं क्यों बाहर जाऊं समझ में आ रहा है सबको हाँ लॉ लॉ पढ़ा रहा हूँ ना बताना पड़ेगा रूल नंबर टू सर आई वॉज आई वॉज अपसेंट रूल नंबर थ्री इफ यू कॉपी द होमवर्क होमवर्क सर आपको कैसे पता चलेगा मेरे को कैसे पता चलेगा यह आपको जरूर पता चलेगा ठीक है दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी चार साल से पांच साल से यही कर रहा हूं मैं रूल नंबर फोर देर इज नो जेन्युइन अटेम्प्ट टू डू द होमवर्क देर इज नो जेन्युन अटेम्प्ट टू डू द होमवर्क वॉट इज जेन्यून अटेम्प्ट को कोशिश दिखनी चाहिए आपको नहीं आया बात अलग है बेटा ठीक है एक बात याद रखना आपको होमवर्क नहीं आया मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है पर मुझे अटेम्प्ट दिखना चाहिए गलती हुई चलेगा मिस्टेक्स आर अलाउड अलाउड टोटली लेकिन मुझे अटेम्प्ट चाहिए कैसा अटेम्प्ट चाहिए जन्यून। 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 कि आपने ऑप्ट किया है नहीं आया बात अलग करेक्ट करने का काम मेरा है पर मुझे लगना चाहिए कि तुमने बकायदा होमवर्क ट्राई किया हुआ है कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको है ना जोर से बोले नो नेक्स्ट पॉइंट इफ यू डू नॉट डू द होमवर्क कम एंड स्टैंड इन क्लास बाय योर सेल्फ इफ यू डो नॉट डो होम वर्क कम एंड स्टैंडिंग स्टैंड इन द क्लास बायर सेल्फ ऑन द लास्ट बेंचेस ऑन द लास्ट बेंचेस तो कल से अपने क्लास के लास्ट बेंचेस खाली रहेंगे बेटा ठीक है आके जगह रिजर्व मत करना उस पर वही बैठेंगे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है अगर वहां कोई खड़ा नहीं है तो आप लास्ट बेंचेस बेंचेसाई कर सकते हो ठीक है लास्ट सर तुमने तो हमारी जन्नत छीन ली है तो कुछ नहीं आपके पीछे लोग खड़े खड़े रहेंगे दैट्स क्योंकि अगर सामने खड़े करेंगे तो लोगों को प्रोजेक्टर्स नहीं दिखेंगे स्क्रीन नहीं दिखेंगे सो इट इज जस्ट प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्लियर है सो स्टैंड ऑन लास्ट बेंचेस खुद होके हाँ वापस सुनना इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलता हूं अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो आके आप पिछले बेंचेस के ऊपर खड़े रहोगे खुद होकर मैंने पूछने से पहले क्योंकि इस चीज के ऊपर अपन समय गवा नहीं सकते मैं हर रोज आऊ आपको पूछू किसने होवर्क कि नहीं क्या रे जाओ रे भाई खड़े रहो रे ठीक है तो तुम आओगे खुद खड़े रहोगे एक सिंपल सी बात है मैं थोड़ा सा यहां पे पांच मिनट दस मिनट आज आपके लेना चाहूंगा अगले घंटे बचाने के लिए ठीक है एक बहुत सिंपल सी बात है बच्चों सीए किसने चूज किया है मन मर्जी से चूज किया है किसी ने दाट दपट के अंदर भेजा है किसी ने अगर जबरदस्ती अंदर भेजा तो तुम फाउंडेशन निकलते ही नहीं थे अगर तुम फाउंडेशन पास करके इंटर पे आया हो मतलब ये तुम्हारा विलिंगनेस है और अगर तुमको तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती भी भेजा है तो उनके लिए एटलीस्ट सी इंटर कंप्लीट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है बोलो हाँ है ना इतना तो कर ही सकते घर वालों के लिए अरे बोलो ऐसा न तो खुद से मेरे को ये नहीं चाहिए बेटा कि आप गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तुम्हें मार्क्स कितने आए वो मेरी दिक्कत है तुम्हें मार्क्स नहीं आ रहे वो मेरी दिक्कत है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो मेरी दिक्कत है तुम गलतियां कर रहे हो मेरी दिक्कत है वो मैं सॉल्व करूंगा पर मेरे को तुमसे सिर्फ लाइफ में एक ही चीज एक्सपेक्टेड है खुद के साथ में पूरे तरीके से प्रामाणिक बिहेवियर करना खुद के साथ मैं खुद से जेन्युन रहूंगा या रहूंगी अगर आज तुम ये वादा कर दो ना तो लॉ का टेंशन मेरा तुम क्लास में एंटर किए हो सकता है भूल गए कल तुमने होमवर्क नहीं किया तुम हो सकता है भूल गए कोई दिक्कत नहीं भूलता है आदमी इंसान गलतियों का पुतला होता है सो so, बोलता है कोई दिक्कत नहीं तुम आए तुमको पता चला तुमको दोस्त ने बोला अभी होमवर्क किया का? तुमको समझ में आ रहे मैंने होमवर्क नहीं किया गेट अप गो एट द बैंक बेंच स्टैंड ठीक है ऐसा तुम करोगे और मेरा मूड अच्छा रहा तो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी में तुम्हें बिठा दूंगा क्वाइट अ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन मेरा मूड कैसा है डिपेंडिंग ऑन बीवी से झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ है समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना। जोर से बोलो नो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी में तुम्हें बिठा सकता हूं जस्ट लुकिंग एट यूर जेन्यूनस ऑनेस्टी तुम ऑनेस्ट हो मैं वही हाथ जोड़ लूंगा भाई तुमने मेरे लिए बहुत किया बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं गलती रियलाइज करना पीछे जाना है आगे बढ़ना है पीछे जाना है समझ में आ रहा है तो तुमने नहीं किया होमवर्क मेरे को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए नहीं किया खुद रियलाइज करो मैंने गलती की है मैंने गलती की है जाओ पीछे खड़े रहो समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना इसके बाद का क्योंकि रूल काफी सीवियर है अगर तुमने होमवर्क नहीं किया और तुम चेक करते हुए पकड़े गए तो तुम क्लास के बाहर जाओगे ठीक है तुम्हारा क्लास मिस हो जाएगा तुम्हारा कंटेंट मिस हो जाएगा उसका कोई भी बैकअप आपको नहीं दिया जाएगा ठीक है इसके अंदर नॉन नॉट अटेम्प्टिंग होमवर्क जेन्युनली ये वाला भी केस आता है समझ में आ रहा है अगर तुमने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया या तुमने होमवर्क कॉपी किया तो वो केसेस भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जैसे तुम यहां क्लास में आए मैं दस पंद्रह मिनट लेट हुआ हूं तुमने उत्तर में होमवर्क कॉपी कर लिया समझ में आता है हर बैच में चार सौ बच्चों की बुक्स देखता हूं अभी तो मैं तुम्हारी बुक्स के अंदर झांकना शुरू नहीं किया वंस यू स्टार्ट द आंसर राइटिंग पॉइंट नियरली आधे बच्चों के हैंडराइटिंग के तरीके समझ में आ जाते हैं कि किस तरीके से लिखने वाले और कितना और 15-20 दिन के अंदर यह भी समझ में आता है कि यह बंदा कितनी छलांग मार सकता है तो अगर किसी नॉर्मल से लड़के ने बहुत भारी आंसर लिखा है तो मेरा पॉइंट ऑफ डाउट इमीडिएटली शुरू हो जाता है ये नहीं हो सकता देन यू आर वर्किंग समथिंग एल्स क्लियर है एल्सर ये चीज को याद रखना मैं आपको पहले ही दिन ये सब ये क्यों बोल रहा हूं मैं आज के लेक्चर में बिकॉज इससे अपना समय सेव कर रहा है सो डोंट कॉपी जिस वक्त तुमने कॉपी किया तुम्हें कॉपी करना है एग्जाम में करो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं मैं सच्ची बोलता हूं मैं खुद बारवीं के एग्जाम में मेरे को बायोलॉजी नहीं आता था मैं कॉपी करके पास हुआ बायोलॉजी समझ ही नहीं आता बायोलॉजी प्रैक्टिकल पता था पर थेरी समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना तो समझ में अभी क्या करूं जिंदगी के अंदर उन्होंने पूछा झाड़ के अंदर चीजें कैसी होती है झाड़ ट्री तो अपने को समझ में नहीं आया अपने कॉपी करके ले भाई बता सामने वाले को बता क्या क्या लिखा सब झाप डाला मार्क्स भी अच्छे आ गए पर सीए में ऐसा नहीं होता ना तुम्हें कॉपी करना है तुम एग्जाम में करो कोई दिक्कत नहीं यहां कॉपी करने की जरूरत नहीं है ठीक है तुम्हें अगर बेस्ट फ्रेंडशिप अगर बच्चे क्या होता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड साइड में बैठा रहता है वो बोलता है जो कॉपी कर रहा है उसकी गलती नहीं है जिसने दिया ना कॉपी करने के लिए उसे नहीं पता वो कितना बड़ा लॉस कर रहा है होगा सिचुएशन ये जो कॉपी करने के लिए दे रहा है वो तो निकल जाएगा इंटरमीडिएट और जो कॉपी कर रहा है वो अटक गया तो साइड वाले के तरफ साइड वाले का चेहरा देखो एक बार अगर तुम्हारे दोस्त के साथ बैठे हो ना तो साइड वाले का चेहरा देखो नहीं देखो सच में देखो और मेरे को तहे दिल से दिल पे हाथ रख के ये बोलना यही सी पर्सन यही सी पर्सन का चेहरा तुमको फाइनल में अपने बाजू में देखना है या नहीं देखना है है माना सी है उससे भी बस्तर होगा साला बोलो हा है ना है कि नहीं जोर से बोलो हा है ना उससे भी घटिया होगा निकम्मा नाकारा बद्ध धरती पे बोझ बोलो है या नहीं है पर इसको फाइनल में देखना है अपने साथ या नहीं देखना है जोर से बोलो देखना है नहीं देखना है तो आज कसम खा लो उसके तरफ देख के कि मैं इसको होमवर्क कॉपी करने नहीं दूंगा डील <laughs> डन याद याद रखना रखना मेरी बात याद रखना। मैं मेरा बोलता हूं आज का लेक्चर थोड़ा मैं ज्ञान पेल रहा हूं इसलिए क्योंकि तुमको समझ में आए कि लाइफ का कॉस्ट क्या होता है मैं सीएसएस हूं मैंने बीकॉम भी किया है पता तो है सबको आपको यकीन नहीं होगा मेरा 26 साल से एक दोस्त है 26 ट्वेंटी मेरे घर के सामने रहता था हमारी स्कूल पहले अलग थे ट्यूशन वगैरह सब हम साथ में करते थे बाद में कॉलेज एक हो गया मैं सी एस सी हूं मेरे वजह से वो सी एस एस है वो ग्यारहवीं में एमएससी करने जा रहा था ग्यारहवीं बारहवीं के बाद मैंने उसको झक मार के सीए में लाया लगे उसको एक दो अटेम्प्ट लगे पर आज लाइफ में थैंक यू बोलता है क्योंकि उसको गलत चीजों से बचाया कांड बहुत किए ऐसे किए कि तुम सोच नहीं पाओगे ऐसे किए हैं बताऊंगा मैं कभी तो भी इतने जबरदस्त कांड किया कि तुमने क्या किए होंगे पर मैं ये बोलता हूं जहां एग्जाम नहीं <laughs> जहां पे मेरे को पता था कि इसकी ग्रोथ जरूरी है आई नेवर हेल्ड हिम बैक नेवर उसका सी ए फाइनल के एग्जाम के पहले ब्रेकअप हो गया आई वॉज विथ हिम ऑल द टाइम उसको समझाने के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है टोटली डिप्रेस्ड लाइफ वॉट द एफ पूरी लग गई थी हाँ सच्ची ये होता है जन यंग पर्सन है रिलेशनशिप में होंगे तुम्हारे साथ भी होगा नॉट इशू ठीक है दो घंटा घूमने के अपने को समझना जरूरी है एवरी डे नियरली तीन महीने तक के एग्जाम के पहले आई वॉज हिम फॉर टू आवर्स डेली आज सी एस सी एस बी कॉम है उसके घर वाले मुझे उनका बेटा मानते हैं मेरे घर वाले उसको मेरा घर पे बेटा मानते हैं मेरा बेटा नहीं तो बेसिकली देखा जाए 26 साल की दोस्ती है और मैं आपको सिंपली बोलता हम दोनों बर्थडे के ऊपर एक दूसरे को विश भी नहीं करते कभी नहीं उसको मेरा बर्थडे याद भी नहीं रहता मेरे को भी उसका बर्थडे याद नहीं रहता पर यह है कि मैंने अभी कॉल लगाया ना तो अगले साढ़े चार घंटे में वो पूना में होगा अब भी कॉल सर टेस्ट करते हैं तुम्हारे टेस्टिंग के चक्कर में जब मेरे को सच्ची जरूरत होगी ना वो आएगा नहीं निकम्मा, ठीक है? तो जब भी कॉल लगाऊंगा घंटे में क्यों ना हो दोस्ती इसको कहते है उसको कुछ सही मानता हूं अगर तुम उसको छोटी छोटी चीटिंग करवा के कुछ गलत कर रहे हो ना अभी का प्रॉब्लम नहीं है बेटा तुम अगले 80 लेक्चर में 40 लेक्चर चलो 40 छोड़ो 25 लेक्चर भी उसको दिखा दो पच्चीस लेक्चर स्टिल इट इज अ ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉबेबिलिटी उसी में से क्वेश्चन आए तो तुम कर लोगे उसका क्या नेवर डू दिस नेवर एवर वो बोले मैं कॉपी करना चाहता हूं बोलना नहीं भाई मेरे को माफ कर मेरे से ना हो पाएगा बाकी तेरे लिए प्यार बहुत है गालियां भी बहुत है पर मैं होमवर्क नहीं दिखा सकता मतलब नहीं दिखा सकता जा भाई तू पीछे खड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं और बदला लेने का इससे बेटर तरीका तो उनको कौन सा मिलेगा <laughs> उसने होमवर्क नहीं किया तुमने चिल्ला के बोलना चाहिए इसने होमवर्क नहीं किया पीछे भेजो पूरे बदले निकल जाएंगे पूरे के पूरे समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना तो ये चीज को याद रखना अपना होमवर्क किसी को दिखाना नहीं क्लियर है सबको है ना जोर से बोलो सर नो सर दोस्त को नहीं दिखाया चलता दुश्मन को ऐसी हरकती बहुत कान के नीचे पड़ेगी याद रखना ओके तो ये चीज को याद रखना नेक्स्ट रूल

और इवन कॉन्फिस्केशन ऑफ एडमिशन लेकिन ये तभी होगा जब गलती दो तीन बार रिपीट होगी ठीक है सर कॉन्फिस्केशन ऑफ एडमिशन पैसा ले लोगे? भाई पैसा पूरा रख ले ऊपर से दो हजार रुपए मेरे से लेके जा ठीक है बुक्स भी रख ले ठीक है पर जो खुद से जेन्यून नहीं है बेटा मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता मैं कैसे करूं मुझे बताओ तुम अगर खुद के साथ जेन्युन में कुछ करूं तुम्हारे साथ कैसे करूं तुम्हें इंप्रूवमेंट का अगर कुछ विचार होगा तो मैं कुछ कर सकता हूं बोलो या हाँ ना इज क्लियर विद दिस अरे बोलो ऐसा न पक्का समझ में आया मैं, मैं क्या कह रहा हूं होमवर्क के रूल्स को याद रखना कल से होमवर्क मेरे को स्ट्रिक्टली चाहिए ठीक है ये बात को याद रखना जनरल नॉलेज का रहो नॉर्मल नॉलेज का रहो बुक होमवर्क रहो क्लास होमवर्क रहो जेन्युन ट्राई नहीं मिला आंसर गलत वाला लेके आओ तुमको कल नहीं मिला एंट्री नंबर नहीं पता चला वो सब एंट्री नंबर लिख के लाने चाहिए थे तुमने जो तुमको लगते हैं हां इसके अंदर फंस सकता है सही मेरा काम है करने का क्यों नहीं लेके आए पांच छह एंट्री नंबर सर मेरे को लगता है ये भी है ये 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 भी 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 है ये भी है 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 बताओ इसमें से कौन सा है तुमने मेरी टेस्ट लेनी चाहिए तुमने मेरे को पैसा दिया है मैंने दिया तुमको पैसा तुमने मेरे को पैसा दिया तुमने सर ये पांच चीजें हैं बताओ इसमें से कौन सा एंट्री नंबर है मेरे को पांचों लगते हैं और प्रूव करो कि क्यों ये पांचों के पांचों नहीं मेरे को भी तो चैलेंज मिले जिंदगी में मेरे को भी एज ए टीचर इंप्रूव करना है बोलो है हाँ है ना लेके आओ मेरे को ट्राई ट्राई चाहिए ट्राय है, मैं छोड़ दूंगा कोई दिक्कत नहीं हाथ जोड़ूंगा कि भाई ने मित्र को नहीं आया पर हार नहीं मानी बंदे में दम है समझ में आ रहा है सबको हा है ना यह चीज को कंपलसरी याद रखना ठीक है होमवर्क इज वेरी सिवियर सिचुएशन क्लियर है और एवरीडे चेक होगा दूसरी बात जो लोग एवरी डे होमवर्क चेक करेंगे जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट रो सेकंड डे सेकंड रो थर्ड डे थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो ऐसे शुरू होगा जो होमवर्क जिस दिन चेक करेंगे अगर चेक करने वाले ने कोई खामी रखी तो जिसका होमवर्क चेक किया है वो तो क्लास में रहेगा पर जिसने चेक किया वो बाहर जाएगा सो इट इज योर ड्यूटी चेक करने वाले की टू चेक वेदर और वेदर यू द होमवर्क समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना एवरीबडी अंदा निकोबार निकोवार क्लियर जम्मू कश्मीर इधर बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश अबे बोलो हाँ ना आइडिया क्लियर है पक्का मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना ठीक है ठेके? मैं सिंपल वर्ड्स में इसको कंक्लूड करना चाहूंगा अगर अपने क्लास में 400 बच्चे हैं मुझे तुम 400 के 400 से एक्सपेक्टेशन है कि तुम लॉ में एग्जामिशन लेके आओगे और मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा मैं दिल से बिलीव करता हूं अगर हम सब मिलके प्रॉपर जगह पे प्रॉपर समय पे इसको वर्क करें तो क्लियर है कंसेप्ट देर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड राइट डिसीजन नो कंसेप्ट कॉल्ड राइट डिसीजन यू मेक अ डिसीजन यू पुट एवरीथिंग इन टू इट एवरीथिंग तन मन धन पैसा पानी अड़का सब कुछ उसने तुमने उसके अंदर डाल दिया ऑटोमेटिकली इट विल फ्लोर टू बी अ गुड वन हमने टीचिंग का डिसीजन लिया पूरी दुनिया ने बोला क्या फालतू डिसीजन लिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया अच्छा खासा पैकेज छोड़ के टीचिंग में आ गए क्या फालतू तो डिसीजन लिया है सब ने, बोला, वालों ने भी बोला क्योंकि उनका प्यार था, उन्होंने प्यार से बोला बाहर लोगों ने तरीके से बोला बट वी पुट एवरीथिंग थिंग इन टू इट हाउस द फ्लावर्स हाउस द फ्लावर्स पहले दिन आते से ही तुमने शुरू कर दिया होगा ना मल्टीप्लाइड बाय तेरा हजार बोलो आया ना क्या होगा नहीं क्या होगा मॉनेटरी कंसिडरेशन अलग चीज है बट यहां जो परफॉर्म करने का सेटिस्फेक्शन है वो किसी भी मॉनेटरी मॉनेटरी तो हर एक के लाइफ को चलाना है दैट्स वाई वी रिक्वायर समझ में आ रहा है सबको हा है ना सो आई गेस हाथ जोड़ के सब लोग इसको फॉलो करेंगे आई होप दिस फॉर योर बेटर फ्यूचर ठीक है फॉर योर बेटर रिजल्ट ठीक है मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ आज बहुत हाथ जोड़ के इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि कल हो सकता है गुस्से के अंदर अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया तो मुझे उसे डांटना पड़े पर यह बात समझ जाना मैं बिल्कुल भी इस मूड का नहीं हूं कि मैं आपको डांटू बिल्कुल भी नहीं आई विल बी हैप्पी अगर पूरे चार बच्चे बैठे सर होमवर्क खत्म है बोला क्लियर सब सबको ना अच्छा एक और रह गया लास्ट रूल एड करो इवन इफ यू आर सिक even if you are sick, you should do the homework in best possible manner. ठीक है मतलब अगर तुम आईसीयू में भी एडमिट हो गए तुमको सलाइन भी लग गई ठीक है तो भी होमवर्क करना वैसे भी दूसरा काम है नहीं दो ही काम है एक होमवर्क करना दूसरा नर्स को देखना बोलो हाँ ना, सो so, लड़कियों के लिए ऑप्शन नहीं है एक ही ऑप्शन है होमवर्क करना ठीक है so, सो डॉक्टर को देख सकते हो सो इवन इफ यू आर सिक तो होमवर्क तो करना जरूरी है ठीक है बिकॉज एक बात और समझ लेना बेटा हादसों से लाइफ नहीं रुकती बोलो सब जन क्या बोलना है बीमार पड़ना क्या है हादसा एक्सीडेंट होना क्या है शादी होना क्या है सो so, से लाइफ नहीं, नहीं रुकती सब समझ में आ रहा है सबको ना जोर से बोले प्रॉपरली प्लीज एवरी वन सब जन होमवर्क करेंगे प्रॉपरली चलो सो so, आज का लेक्चर शुरू करते हैं टुडे वी आर स्टार्टिंग और आज हम कल जो हम छूने वाले थे वो आज हम छूएंगे किसको कंपनी दो हजार तेरा ओके okay, कल परसों का थोड़ा सा रिवाइज कर ले बच्चों अरे बोलो हाँ ना सो so, कल क्या क्या पढ़ाया था मैंने सबसे पहले पढ़ाया था लोल लोल मतलब लॉ ऑफ लैंड कितनी चीजें आती है लॉ ऑफ लैंड में चार, चार चीजें पहला जोर से बोलो पहला क्या आता है एक्ट दूसरा ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या होता है एंगेजमेंट के बाद शादी के पहले कोर्टशिप पीरियड हा लेकिन ये लॉ बनेगा ये क्या पॉसिबिलिटी है लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो ऑर्डिनेंस था वो लॉ नहीं बना उसमें अमेंडमेंट हुए पर आज तक के हिस्ट्री में हंड्रेड परसेंट वेर कन्वर्टेड इन टू लॉज ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं है जो लॉ नहीं बना मतलब एक्ट सिक्स जो हम बोलते हैं ना वो भी चार साल तक के ऑर्डिनेंस था

क्लैरिफिकेशन समझ में आ रहा है फिर उसके बाद में रूल्स में प्रोसेस कल हमने डिन देखा था डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलो किसका देखा था रतन डाटा कुछ याद आया सबको हाँ ना क्या है DIN? -00 -00 -00 समझ में आया ये चीज होने के बाद में आगे बढ़े थे चौथी चीज क्या थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस वो कौन से क्वेश्चन एंटरटेन करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ क्योंकि उनको क्या कहा जाता है जस्टिस समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना फिर ये होने के बाद में मैंने आपको बताया था कोई भी लॉ स्टार्ट करने के पहले कितनी चीजें पता होनी चाहिए चार पहला हिस्ट्री हमने कल का हिस्ट्री देखा था ओल्ड कंपनी थे बच्चों में 470 सेक्शन कितने कितने सेवन उसमें से एक शेड्यूल आपको ऑलरेडी पता है शेड्यूल नंबर कौन सा थ्री बैलेंस शीट और पी एन एल का फॉर्मेट कुछ याद आया सबको यह चीज होने के बाद तीसरा तीसरी चीज क्या थी Const नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडी हिस्ट्री के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अच्छा हिस्ट्री में एक चीज रहेगी कौन कौन से कंसेप्ट नए ऐड किए गए हैं लड़कियों कल भी नहीं बोला आज तो बोलो वन वोमेंट डायरेक्टर दूसरा

और फिर उसके नीचे कितने डिवाइड अथॉरिटी दो पहला कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा कौन सा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने पार्ट्स दो एक्टिव कंपनी सिक कंपनी 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 एक्टिव के लिए कौन था आर एडी मतलब रीजनल डायरेक्टर कितने रीजनल डायरेक्टर है सात उसके नीचे कितने आर है आरओस कितने स्टेट्स में दो दो आर है महाराष्ट्र तमिलनाडु क्लियर है कंसेप्ट सबको ये होने के बाद में अगला क्या देखा था लिक्विडेटर ये कौन से कंपनी में सिक कंपनी डिफंग कंपनी एक्सेट्रा डॉर्मेंट कंपनी के केस में फिर जुडिशियल अथॉरिटी में सबसे पहले कौन एनसीएलटी एनसीएलटी का लॉन्ग फॉर्म बोलो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल फिर कौन है बोले एक बार सुप्रीम कोर्ट और एक और मैंने लिख के रखा था क्या स्पेशल कोर्ट पर स्पेशल कोर्ट कौन से केसेस में हायर लेवल की सीवियरिटी है कैसे लेवल की सीवियरिटी है हायर तो उसको हम क्या कहते हैं बोले एक बार जो से स्पेशल कोर्ट कंसेप्ट समझ में आया सबको हा है ना ये होने का तो और कुछ देखा था क्या नहीं चैप्टर स्ट्रक्चर था चौथी चीज बोलो हा है ना चौथी चीज क्या थी सर तो आज का जिंदगी का पहला काम हम कंपनी और सेक्शन वन में जाएंगे सेक्शन वन जैसे ही खत्म होता है हम चैप्टर स्ट्रक्चर को छुएंगे ठीक है चलो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर आर यू रेडी लेट्स गो सेक्शन नंबर वन कंपनी होता है प्रियम्बल बोलो है ना शॉर्ट टाइटल तुमको पता है क्या है शॉर्ट टाइटल कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंड कमेंसमेंट कमेंट टू फोर्स फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय सीजी और डेट क्या थी बच्चों oh. बताए थे ना चौथे बार बोल रहा हूं मैं क्या थी 12 सितंबर 2013 हजार समझ में आ रहा है सबको हाँ ना जोर से बोलो सर नो no. अब चलते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर पे टोटल कितने सेक्शन अप्लीकेबल थे अपने को कितने जोर से बोलो 148. कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है दस चैप्टर्स. कितने दस उसमें से पहला तो चैप्टर फिक्स है प्रीलिमिनरी. जिसमें प्रीएम्बल और डेफिनेशन आएगा सेक्शन वन सेक्शन टू इस चैप्टर को क्या कहते हैं प्रीलिमिनरी. बचे हुए जो चैप्टर्स है वो कुछ तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं कितने कैटेगरीज बोले एक बार तीन सबसे पहली कैटेगरी है बनाना दूसरी कैटेगरी है चलाना और तीसरी कैटेगरी है देखना कंपनी बनाना कंपनी को और कंपनी को बराबर है अब अगर तुमको कंपनी को बनाना है मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा बोलो हाँ है ना? इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा सो कंपनी बनाना इनकॉर्पोरेशन चैप्टर फिर तुमको शेयर कैपिटल लगेगा पैसा लगेगा और पैसे शेयर कैपिटल लेने के लिए इनविटेशन टू ऑफर तुमने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोस्पेक्टस के थ्रू देते हैं कुछ याद आया मतलब बुलाना बनाना बुलाना और फिर तुम कैपिटल लगाते हो तुम कैपिटल क्या करते हो लगाते हो सो लगाना समझ में आ रहा है सबको हाँ ना, जोर से बोलो सर ना, अब एक्शन के साथ बनाना कंपनी बना रहे हो ना सब एक्शन करेंगे जो नहीं करेगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा वैलेंटाइन डे पे बोल रहा हूं याद रखना सो बुलाना बुलाना लगाना समझ में आ रहा है सब हाँ है सबको ना एक बार जोर से क्या बनाना रहेगा एक चीज याद रखना क्लास में जितने अजीबो गरीब एक्शन है सब करने हैं ठीक है ठेके? आपने शायद सुना होगा नहीं सुना होगा साइंटिफिकली प्रूव है जितने ज्यादा लॉन्ग टाइम में याद रहेगा जितने सबको हाँ है ना शुरू हो जाओ क्या है बनाना बुलाना, बुलाना क्लियर है फिर भी हो सकता है बार बार पैसा लगेगा डिपॉजिट लगेगा तो हम डिपॉजिट डालते हैं डालना तुम अच्छा सोचो निकम इधर का कैटेगरी ही गलत है पूरा का पूरा सो डालना जब आप डिपॉजिट डालते हो लोन डालते हो तब लोन वाले कुछ गिरवी मांगते हैं ना चार्ज करते हैं असेट को असेट के ऊपर चार्ज बनाते हैं ना फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज सुना होगा बोलो ये सोन न सो यू क्रिएट अ चार्ज गिरवी रखना गिरवी मतलब चार्ज करना समझ में आ रहा है सबको अब एक साथ मत पढ़ना नहीं कम हो उसको अब <laughs> चुपे सो so, बोलो डालना वैलेंटाइन स्पेशल चल रहा है नी सो <laughs> so, डालना चार्ज करना और फिर पैसा आ गया अब तो कंपनी को सिर्फ चलाना है मेंटेन करना है बोलो हाँ ना मैनेज करना समझ में आ रहा है सबको हाँ ओके एक बार वापस क्या है बनाना अबे पहले से बड़े जल्दी डालना पे पहुंच रहे हो तो सो बोलो क्या है बनाना बुलाना डालना डिपॉजिट डालना है ठीक है so, सो डालना समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना सो so, मैनेज करना कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं एक बार वापस से के छे क्या है बनाना अच्छा इनके इंग्लिश वर्ड भी है बनाना मतलब इनकॉरपोरेशन बुलाना मतलब प्रोस्पेक्टस लगाना मतलब कैपिटल डालना डिपॉजिट चार्ज करना गिरवी रखना मतलब चार्जेस असेट। चार्जेस ऑन ऑन बोले एक बार असेट। और मैनेज करना मेंटेन करना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो यहां मैं लास्ट दो वर्ड थोड़े से चेंज करना चाहूंगा चार्ज करना दैट इज चार्जेस ऑन असेट चार्जेस ऑन क्या एक बार जो से असेट चार्जेस ऑन अट मैनेज करना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड क्या एडमिनिस्ट्रेशन सो so एक बार छापस करो रेडी लच गो क्या है बनाना मुलाना लगाना डालना समझ में आ रहा है सबको हा अब कंपनी चल रही है कंपनी एक बार चलने लग गई तो आप क्या कर सकते हो आप सिर्फ देख सकते हो कंपनी कैसे चल रही है सो नाव इम्पनी चलने लग गई देखो गोइंग देखना देखने में भी तीन चीजें आती है देखो पहला चैप्टर हो गया अभी ये नौ चैप्टर याद कर रहे हैं तीन चीजें आती है जैसी कंपनी चलने लगती है हम डिविडेंड देते हैं मतलब कंपनी से डिविडेंड कट गया काटना अरे बोलो ना हा है ना सो कंपनी से डिविडेंड कट गया मतलब काटना बोलो ये सो फिर जर्नल एंट्री मारते हैं मारना <laughs> मतलब अकाउंट्स में जर्नल एंट्री मारना बोलो ये सो So सो में जर्नल एंट्री क्या बोले एक बार मारना ये सर ना और फिर जर्नल एंट्री मारने के बाद चेक करना होता है कि भाई सही मारा नहीं सो ऑडिट so, मतलब क्या बोले एक बार जो चेक करना ऑडिट मतलब क्या बोले एक बार चेक करना ये आखिरी दिन चैप्टर ठीक है So, एक बार वापस से क्या है बनाना बुलाना, बुलाना, बुलाना डालना चार्ज करना मैनेज करना समझ में आया सबको हाँ ना? आइडिया क्लियर है भाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई टॉक ठीक है गो सो वापस बोलो क्या है बनाना एवरी वन एक्शन बनाना बुलाना लगाना डालना चार्ज करना मैनेज करना काटना करना। और क्या करना चेक, चेक, चेक करना क्लियर है अब इनके इंग्लिश वाले नाम के साथ में बोलना थोड़ा सोप so से एक्शन के साथ रेडी बनाना मतलब बुलाना मतलब प्रोस्पेक्टस लगाना मतलब कैपिटल समझ में आया सबको ना? पहले तीन चैप्टर हो गए, डालना डिपॉजिट चार्ज charge करना चार्जेस ऑन यार है, मैनेज manage करना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन काटना डिविडेंड, जर्नल एंट्री मारते हैं, क्लियर है अब मारते हो सिर्फ ऐसे मत मारना थोड़ा सा जर्नल एंट्री टाइप्स में मारना तुम जो मार रहे हो अलग ही जगह पे जा रहा है वो ठीक है सो मारना जर्नल एंट्री मारना और ऑडिट में चेक करना मतलब अकाउंट्स एंड से ऑडिट नाम याद हो गए यही है चैप्टर्स के नाम सिंपल समझ में आ रहा है सबको हाँ ना सो so, बनाना फॉर्मेशन एंड इनकॉपोरेशन बुलाना प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर लगाना शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर डालना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चार्ज करना

दस चैप्टर है पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कहां से कहां तक है बोलो हाँ ना यस सर नो, तो कैसे एक बार थोड़ा ट्रायल कर ले वापस से मुझे थोड़े बहुत एक काम करते एक मिनट इनको देख लो जितने नाम आत्मसात होते कर लो लिखना नहीं है जितना याद कर सकते हो कर लो और सुनो होल्ड होल्ड याद करने का भी अपना एक तरीका होता है साइड याद करने का तरीका समझो ये हम पूरे क्लास में यूज करेंगे जब भी आपको कोई बोलता है ना इस चीज को याद करो तुम उस चीज को और घूर के देखने लग जाते हो कंसेप्ट डर जाए और याद हो जाए ऐसे याद नहीं होता जब मैं तुमको क्लास में या किसी भी क्लास में तुमको बोले ना कोई कि याद करना ये चीज को याद करना है सबसे पहला स्टेप आंखें बंद और जो मैंने अभी तक बताया वो सब याद करने की कोशिश करो इफेक्टिव स्टडी करते हैं ना तुम उसको घूरोगे फिर फिर घूरोगे फिर फिर घूरोगे ये चलता रहेगा और कब तक खेलोगे ऐसा उससे अच्छा पता है अपने को दस चैप्टर है दस उंगलियां आंखें बन पहला प्रिलिमिनरी याद आ रहा है फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन बनाना याद आ रहा है बुलाना याद आ रहा है लगाना कैपिटल लेकिन कैपिटल का पूरा नाम याद नहीं आ रहा नहीं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कैपिटल हाँ। का पूरा नाम याद नहीं आ रहा तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा कैपिटल वो उंगली वैसे वैसे अगला डालना डिपॉजिट डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ऑफ याद आ गया एक ही उंगली रेडी है अब जो याद नहीं आए सिर्फ उनको देखो अगर तुम पहले से घुस जाओगे ना मेरे को देखना है तो तुम उन चीजों को वापस याद कर रहे हो जो ऑलरेडी याद है क्यों समय वेस्ट कर रहे हो समझ में आ रहा है प्रॉब्लम ये नहीं है थियरी पेपर में कोई पढ़ता नहीं है सब पढ़ते हैं प्रॉब्लम वही है सब पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने का नहीं है कि तुम कितने अच्छे से पढ़ सकते हो इट इज अबाउट कितने अच्छे से याद कर सकते हो बराबर है बोलो हाँ है ना हावरीबडी ऐसा न तो मैं तुमको चैप्टर लिस्ट दिखाऊंगा बट उसके पहले खुद रिमेंबर करो जो याद नहीं रहते वो गिन के देखो ठीक है और सिर्फ उन्हीं को याद करो समझ में आ रहा है जो याद आ रही है उसमें टेंशन क्या है वो तो वैसे ही याद है बोलो हाँ है ना अगर जो याद है उसको भी पढ़ रहे हो तो पिछले पंद्रह बीस मिनट में हमने जो किया वो किसी काम का नहीं है समझ में आ रहा है सो गो फॉर इट आंखें बंद पहले याद करो आंखें बंद मतलब निपट बंद जाना बीच में जो नहीं आ रहा उसको चेक करो अब कुछ लोग सरप्राइज हो जाएंगे उनको सब कुछ याद आ गया तो फिर देखने की क्या जरूरत थी ठीक है जिनको सब कुछ भी याद आया वो एक बार वापस चेक कर लो कि कहीं मैंने पूरा नाम लिया या सिर्फ आधा नाम लिया चलो डन एवरीडी याद हो गया सबको पक्का फुल नेम हा फुल नेम चलो तो वापस एक और मिनट ले लो पर पूरा नाम चाहिए वापस आखे बंद करके पूरे नाम याद करने की कोशिश करो कौन से है चलो याद हो गया कर दो रिमूव बोल पाओगे बोलो हा है ना? लेट्स गो सबसे पहला चैप्टर एक्शन के साथ टैग होना चाहिए पहला बनाना नहीं नहीं बनाना नहीं पहला प्रिलिमिनरी बेसिक्स ऑफ द लॉ दूसरा बाद में बनाना बनाना मतलब फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन शानदार दूसरा बुलाना बुलाना मतलब प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर तूफान। तीसरा लगाना लगाना मतलब शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर समझ में आ रहा है फिर चौथा डालना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी चार्जेस ऑन असेट चार्ज करना चार्जेस ऑन अट ऑफ द कंपनीज फिर मैनेज manage करना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन काटना डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट मारना अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और चेक करना ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स क्लियर है कॉन्सेप्ट आर यू श्योर आपको याद है तो ये ब्लैंक ही रहेगा आपके बुक में लिख के दिखाओ मुझे और आज से मैं चेक करूंगा कि आप कैसे लिखते हो ठीक है जब कोई भी पर्सनल काउंसलिंग में आया होगा मैंने बताया होगा कि मेरा सब पे ध्यान रहता है आज से तुम्हारा पर्सनल अटेंशन शुरू ठीक है जिनको और ज्यादा पर्सनल अटेंशन चाहिए रुको, 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 रुक सुन लो। ऐसे भिड़ मत जाओ कि भूलने के पहले सब लिख लू वेट चिल मारो याद किया है ना आएगा खुद के ऊपर भरोसा रखो जब भी मैं बोलता हूँ तो लिखो ऐसे भिड़ जाते हैं चिल मारना ऐसे मस्त तो दो चार सेकंड थोड़ा थोड़ा मेमोरी को भी तो टेस्ट करो कि चलती है बंद हो जाती है बीच में मैं थोड़ी गुफ्तगु करते तो एक दो मिनट ठीक है तो आज से पर्सनल अटेंशन शुरू जिसको ये चाहिए कि मेरे लिखे हुए आंसर बहुत प्योर आने चाहिए वो ये ट्राई करना कि आप बेंचेस के कॉर्नर पे बैठो अगर आप डर को डरपोक हो तो भी क्योंकि मैं जब आंसर चेक करने निकलूंगा तो मैं मैक्सिमम कॉर्नर कॉर्नर के साइड वाला या उसके साइड वाला जहां पे ये अभी चार पांच चार पांच लोग बैठे इनके तो सभी चेक हो जाएंगे जहां लंबी रोज है वहां ट्राई करना कि आप ये या वो कॉर्नर पे बैठो और कभी एक दो बार अगर आप कॉर्नर पे बैठ चुके और मैंने आपका आंसर चेक कर लिया तो किसी और को चांस दो तो जब आप लिखते हो मैं चेक करता रहूंगा और मेरे चेक करने के तरीके बहुत खराब है ठीक है आपकी बुक आप जितनी ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो मैं उसको उतनी खराब करूंगा मैं रेड पेन लेके घूमता हूं ठीक है जहां तुमने गलती की कट कट करूंगा तुम्हें लिखने का वापस मौका मिलेगा पर यहां गलती करो तो अच्छा है वहां तीन घंटे में करना चाहोगे क्या करो बिंदास्त बुक उधार लाई है? बुक उधार लाई है? खुद की है ओनरशिप है पक्का गुड टाइटल गुड फेथ तो गलती करने से कोई डरना चाहिए करो बिंदास्त शुरू हो जाओ और एकदम से न वन टू थ्री नहीं करना पहले हेडिंग डालो चैप्टर अंडर द कंपनीज एक्ट थोड़ा इज्जत से जैसे हेडिंग नहीं डालो उसका लिस्ट कट जाएगा याद रखना और उसको जितना ब्यूटीफुल बना सकते हो उतनी ब्यूटीफुल ही लिखना बिकॉज ये लिस्ट आपको कम से कम बीस से तीस बार देखनी है आगे दो तीन कलर के पेन है बिंदास यूज़ करो बनाना बुलाना लिखना चाहते हो बिंदास लिखो बनाना बुलाना लगाना सब लिखना सिर्फ घर वालों को बुक मत दिखाना सीरियल नंबर वगैरह सब प्रॉपर बेसिक्स ऑफ लॉ अकाउंटिंग नहीं अपन लॉ की क्लास में है ना ओके okay, जिनका लिस्ट बन गया दस चैप्टर्स का उन्होंने वो चार्ट भी करके जिन्होंने एक मैंने तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस लिस्ट, लिस्ट लिखी तो है वो चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करो तीन पार्ट में चार्ट्रॉ डिवाइड किया था ना बनाना चलाना देखना वो वाला चार्ट जिसमें हर एक में इसमें तीन तीन थे करो ड्रॉ पेंसिल से नहीं ओके okay, एक चीज याद रखना सब जनों ने अच्छे से सुनना ठीक है कोई भी चीज अपने क्लास में हम पेंसिल से नहीं करेंगे ठीक है हर चीज पेन से और पेन से ही गलती करेंगे ठीक है हुई गलती चलेगा बुक अपनी है खराब हुई चलेगा पर हर चीज पेन से ठीक है जब तुम पेंसिल उठाते हो तो तुम पेंसिल इस इंट्यूशन से और एटीट्यूड से उठाते हो कि मैं गलती करने वाला हूं बराबर है ये सुनो तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा एटीट्यूड हमेशा रहे कि तुम गलती करने वाले हो तुम्हारा एटीट्यूड कॉन्फिडेंट होना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बट एटलीस्ट कॉन्फिडेंट मैं तुम्हें मार्कर से लिखने के लिए नहीं बोल रहा वो भी परमानेंट वाला <laughs> समझ में आ रहा है तो अपन पेन से लिखेंगे कैसे लिखेंगे पेन से पेंसिल गायब नो पेंसिल्स एक्शन करके देखो याद आता है क्या जो बीच में चैप्टर स्किप हो रहे हैं, वो एक्शन करके देखो कुछ याद आता है माइंड एक्शन करते करते याद आ जाए करो यार, तो मैं तो बोल सकता हूं मेरे को तो याद है बट मेरी पेपर थोड़ी है करो याद आएगा भरोसा रखो आंखें बंद करो याद करो जिनका लिस्ट हो गया चार्ट ड्रॉ करना शुरू कर दो हो सकता है चार्ट ड्रॉ करते करते याद आ जाए ड्रॉ करो तीन तीन वाला नहीं फिर भी टू ड्रॉ दुकी याद है पर जब सौ का हो जाएगा, और सब चीजें बर्डन क्रिएट करेगी एट दैट टाइम दिस लिस्ट हेल्प यू विल जरूर हेल्प यू ठीक है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखो कि कोर्स खत्म होने के बाद जब मैं फर्स्ट डिविजन करूंगा तो क्या मुझे ये याद आएगा ये सवाल होना चाहिए हर चीज लिखते वक्त अगर वो चीज आपको याद स्ट्रेट अवे नहीं आएगी कम से कम समय में तो उस चीज का कोई काम नहीं है चार्ट इज सच अ थिंग कि जिसके तरफ देखा तो ग्राफिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए फटाफट फट कि चार्ट देखा अच्छा ये नौ के नौ चैप्टर से याद है दिस इज हाउ इट शुड हैपन ठीक है सो अगर तुमको अभी भी कॉन्फिडेंस होगा मेरे को सब याद है फिर भी चार्ट ड्रॉ करो लिसन टू मी डिविडेंड ऊपर अकाउंट्स नीचे ऊपर नीचे। चैप्टर नंबर चेंज हो जाएगा नहीं तो एक्ट का चैप्टर नंबर नाइन डिविडेंड है एट डिविडेंड है नहीं वैसा रखो, चेंज कर देना 응. <susur> it is okay you try it i will take care दूसरे का देख के नहीं बेटा दूसरे का देख के नहीं करना तो का था, था बताऊंगा आगे आएगा डोंट वरी वो ब्रिटिशर्स करी में था 1942 ऑर्डिनेंस जो चार साल के लिए रखा गया ब्रिटिशर्स की तरफ से बाद में इनवैलिड हो गया फिर हमने उसी को ड्राफ्ट उठाकर 1956 का कंपनीज एक्ट बनाया तो क्या बताऊंगा ट्राई करो बैरक में नहीं मिलेगा देखो सोर्सेस ढूंढो ट्राई करो नहीं तो मैं हूं ही डन एवरीबॉडी सबका बन गया है चार्ट अगे yes. okay, अब कुछ उधर के लोगों को दिक्कत है सर चार्ट ही याद नहीं आ रहा देखो बेटा दो चीजें अच्छे से ध्यान देना एवरीबॉडी कंसंट्रेट बच्चों प्लीज सबसे पहली बात याद ना आने के दो रीजन हो सकते हैं एक तो जब मैंने बताया आप कहीं तो भी भटके हुए थे या तो फिर जब मैंने बताया तो आप एक तो पीछे जा रहे थे या तो आगे बढ़ रहे थे ठीक है अगर चार्ट याद नहीं आता तो तकलीफ है रीजन यह है कि चार्ट इज द बेस्ट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो साइंटिफिकली ह्यूमन मेमोरी को सबसे पहले समझता है साइंटिफिकली मेरे हिसाब से नहीं मतलब आपको मैं लिस्ट और आपको मैं चार्ट दिखाऊंगे तो फर्स्ट थिंग विल अ चार्ट ठीक है तो तो ये चीज को याद रखना तो जब भी मैं पढ़ाऊ पहला ट्राई ये करना 100 परसेंट अटेंशन और उस लेवल पे रहना जिस लेवल पे मैं हूं मैं आगे बढ़ा आगे बढ़ना मैं पीछे हूं पीछे आना ठीक है थोड़ा वेरिएबिलिटी अवॉइड करना ठीक है ये चीज को याद रखना अब जितने लोगों ने लिस्ट बनाई है कितने लोगों की पूरी कंप्लीट हुई चार्ट और लिस्ट दोनों ओके यूज नंबर वेरी गुड शानदार कितने लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाया चार्ट और लिस्ट दोनों करो हाथ रेज करो उधर से तो तीन चार रेज होनी चाहिए कम से कम ओके वेरी गुड एक्सेप्ट करो इट्स नॉट अ इशू कोई तुमको पूछने नहीं वाला और ना ही कोई मारने वाला है बट मेरे को दिखेगा तो मैं से ध्यान रखूंगा कि भाई हाँ इसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा ठीक से ठीक है अब जिनको याद नहीं आ रहा उसने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना कि नेक्स्ट टाइम मैं जब पढ़ा रहा हूं यू फोकस मोर ज्यादा अटेंशन ठीक है सब छोड़ के मैं पूरा अटेंड करूंगा ये तुम ट्राई करो याद तुमको आएगा यह मैं देखूंगा क्लियर है एक बार वापस से मैं चैप्टर लिस्ट दिखा रहा हूं सब जनों ने अच्छे तरीके से चेक करना बेसिक्स ऑफ द कंपनी लॉ फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट charges on assets of the company, management and administration, dividend and divisible profit, accounts of the company, audit of the accounts. समझ में आ रहा है सबको हाँ जोर से बोलो जिनका नहीं हुआ करेक्ट कर लो जिनका ठीक नहीं है नाम में थोड़ा इधर उधर भी दिक्कत है तो भी ठीक कर लो डन अब टास्क आता है बड़ा वाला पूछो क्या एवरीबडे एन के सेक्शन याद करना मुझे बताओ टोटल कितने सेक्शन याद करने हैं वन से लेके वन फोर्टी अब प्रिलिमिनरी बेसिक का मैं सेक्शन बोल रहा हूं अटेंशन डबल करना जिनको याद नहीं रहता वो और अच्छे से ध्यान देना सब छोड़ के प्रिलिमिनरी बेसिक का तो सेक्शन वन और सेक्शन टू डन है ये पक्का है एवरीबडी यस सर न बचता है अभी तीन से लेके एक सौ अड़तालीस yes. बोलो यस सर ना सब जन जोर से बोलो यस सर ना अब एक गाना याद रखना क्योंकि सेक्शन तो इन्होंने लॉजिकली लिखे नहीं इनको क्या वन टू थ्री फोर मिले इन्होंने लगा दिए जो लाइन सारे तो गाना याद रखना टिन 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 टारा सब जन बोलो क्या बोला है सेवन सेवन एटी एट ठीक एट। है एक बार वापस से टिन टिन आटिन टिन टिन टारा सेवन सेवन एटी एट बारह किशो की, की तीन टिकटे है वन ट्वेंटी एट में दिलाऊ वापस है टिन टिना टिन 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 सेवेंटी सेवन एटी एट बारह किशो की, की तीन टिकटे है वन ट्वेंटी एट में दिलाऊ तिन, तिन, समझना मुझको ऐसा वैसा मेरे बटवे में है पैसा कितना वन थर्टी नाइन रुपीज समझ में आ रहा है सो so, पूरा क्या है टिन 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 सेवन एटी एट बारह किशो की तीन टिकटे हैं मुझको ऐसा वैसा मेरे बटवे में है पैसा कितना वन थर्टी क्लियर है अब ये टिन, टिन 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 क्या है स्टार्टिंग सेक्शन थ्री स्टार्टिंग सेक्शन ट्वेंटी थ्री स्टार्टिंग सेक्शन 43 स्टार्टिंग सेक्शन 73 क्लियर है थ्री ट्वेंटी थ्री फोर्टी थ्री सेवन थ्री बोलो समझ में आ रहा है 77, 88. वो तो वैसे ही लिखे है. फिर 123, 128, 139. ये सब इन चैप्टर्स के स्टार्टिंग सेक्शन है तो एंडिंग निकालो थ्री से लेके टू ट्वेंटी थ्री से लेके फोर्टी टू फोर्टी थ्री से लेके सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री से लेके सेवेंटी सिक्स से वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी थ्री से वन ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी एट से वन थर्टी एट और लास्ट सेक्शन सब समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना जोर so, से बोले ना सो टीन सेक्शन बोलो थ्री ट्वेंटी थ्री फोर्टी थ्री सेवेंटी थ्री सेवेंटी सेवन एटी एट बारह किशो की तीन वन ट्वेंटी एट में दिलाओ समझना मुझको ऐसा वैसा मेरे बटवे में है पैसा कितना क्लियर है सबको हाँ है ना आइडिया क्लियर है पक्का गायब ट्राई करो नई जगह होगी मार्जिन में लिखो किधर भी चैप्टर के सामने जिधर जैसे अब कुछ लोगों ने गलती कहां कर दी चैप्टर वन पे ही तीन लिख दिया अब चैप्टर वन पे तीन लिखोगे तो टेंथ चैप्टर पे कुछ नहीं आएगा घाई घाई एंडिंग सेक्शन कंप्लीट कर लो बन गया सबका बोले सर yeah. so, मुझे बताओ बुक में देख के फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन कहा से कहां तक थ्री से लेके समझ में आ रहा है आ, फिर प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ट्वेंटी थ्री से लेके फोर्टी टू फिर शेयर कैपिटल डिमेंचर फोर्टी थ्री से सेवेंटी टू डिपोजिट सेवेंटी थ्री से सेवेंटी सिक्स फिर कौन सा चैप्टर चार्जेस ऑन अ फिर 88 से 122 क्या है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 123 से 127 डिविडेंड डिविज़ुअल प्रॉफिट 128 से 138 अकाउंट्स और 139 से 148 ऑडिट कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना जोर से बोलो इस और नो बात खत्म नहीं हुई अभी प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर अलग लेवल पे याद है और सेक्शन अलग लेवल पे याद है सब बुक बंद करो एवरीवन पक्का बन एवरीबडी उधर अंदमान निकोबार ब्र बुक बंद कर लिया सबने शेयर कैपिटल एंड बेन एक बात याद रखना घोड़े तक घोड़े पा, को पानी तक लेके जाने का काम मेरा है पानी तो तुम्हें ही पीना पड़ेगा 43 से लेके सेवन हो डिविडेंड करो याद समय लगा चलेगा पर हर बंदा खुद का इंडिविजुअल याद करेगा 123 से लेके 127 ट्वेंटी प्रोस्पेक्टस बोलो 23 से लेके 42 टू डिपॉजिट्स 73 सेवेंटी से लेके 76 सिक्स ऑडिट हमें लास्ट का सेक्शन नंबर तो बोलो 139 से लेके 14 मतलब ऑडिट का तो टेंशन नहीं है फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन थ्री से लेके ट्वेंटी टू मतलब इसका भी टेंशन नहीं है टेंशन है बीच वालों का अकाउंट्स सिंपल अकाउंट याद रखने का करेगा एक सौ अट्ठाइस से एक सौ अड़तीस एट एट क्लियर है दूसरी बात चार्जेस ऑन अट ये डबल डिजिट पे शुरू होगा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डबल डिजिट पे शुरू होगा समझ में आ रहा है सबको है ना सो सेवेंटी सेवन एटी एट

प्रोस्पेक्टस सेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर सेक्शन नंबर तेईस से लेके जोर से बोलो फोर्टी टू तीसरा लगाना शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर फोर्टी थ्री से लेके सेवेंटी टू डालना डिपोजिट यिपोजिट सेवेंटी थ्री से लेके सेवेंटी चार्जेस ऑन सेट सेवेंटी सेवन से लेके एटी सेवन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122 ट्वेंटी टू क्लियर है कंसेप्ट डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट 123 से लेके 127 ट्वेंटी सेवन मारना अकाउंट ऑफ द कंपनी 128 से 138 और ऑडिट 139 से 148 पक्का क्लियर है पक्का क्लियर है उल्टा जाके दिखाओ ऑडिट 139 से 148, फोर्टी एट वन से 138, थर्टी एट डिविडेंड वन से 127, ट्वेंटी सेवन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोलो बोलो उधर 88 से लेके 122, ट्वेंटी टू चार्जेस ऑन अ 77 सेवेंटी से 87. डिपॉजिट 73 से 76 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43 से 72 टू प्रोस्पेक्टस ट्वेंटी से लेके 42 और फॉर्मेशन इन कॉपोरेशन थ्री से लेके 22 याद आ रहा है पक्का एक छोड़ के एक चैप्टर्स है ये हमारा बेस है इसके ऊपर अब जब सेक्शन डालूंगा ना तो दिमाग तहस नहस हो जाएगा एक सेक्शन ऐसे ही नहीं घुसने वाले यहां पर अब घर बनाना जरूरी है मैं क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे दिमाग में ब्रैकेट्स बना रहा हूं छोटे 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 कि कल जाके अगर मैं स्ट्रेट में उठाऊ सेक्शन 61 वो स्ट्रेट जाके बैठ जाना चाहिए शेयर कैपिटल डिवेंचर में दिस इज नीडेड तो तुमको 148 सेक्शन का तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा अगर हम आधे घंटे के अंदर दस चैप्टर याद कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है 148 भी याद हो जाएंगे ठीक है सो एक छोड़ के एक ठीक है सबसे पहला प्रिलिमिनरी हां वन एंड टू फिर दूसरा नहीं तीसरा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर सेक्शन नंबर 23 से लेके 42, टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 73 से लेके 76, सिक्स सातवा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122 ट्वेंटी टू नौवा अकाउंट्स ऑफ द कंपनी 128 से समझ में आया पक्का अब उल्टा वन बाय वन सबसे दसवा ऑडिट 139 से 148 फोर्टी एट आठवा डिविडेंड वन से 127 छठवा चार्जेस ऑन अट 77 से 87 चौथा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43 से 72 दूसरा 3 से लेके 22 टू समझ में है पक्का समझ में है अब मैंने तुम्हारे साथ क्या किया जरा देखना समय लगेगा पर अब इसकी खासियत देखना मैं बोलूंगा सेक्शन तुम्हें बोलना है कौन से चैप्टर से है तुम्हें सेक्शन नहीं पता मैं कोई मालूम है चैप्टर तो बोल सकते Are you capable? Yes. लड़के ज़्यादा बोलेंगे लड़कियां मेरे को ये टेंशन है ठीक है जहां से ज्यादा आवाज आनी चाहिए जोर से एकदम वैलेंटाइन डे समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना और खास करके जिन्होंने लाल कपड़े पहने <laughs> okay. पूरा लाल होके आया चलो स्टार्ट करें सेक्शन नंबर फोर्टी सेवन लड़के आगे बढ़ रहे दिखे दिखे। लड़के अभी आगे बढ़ रही हैं सो चैप्टर कौन सा है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स बराबर है पक्का सेक्शन नंबर सिक्सटी एट सेक्शन 68 शेयर कैपिटल एंड डिबेंसर अब कुछ लोगों को नहीं जम रहा होगा नॉट अ इशू कुछ होते हैं हर एक का अपना पेस पेस होता है है डरने की जरूरत नहीं पर आप ट्राई करते रहो आपके पेस से ठीक है आपका जो एडवांटेज है वो किसी और का हो सकता है या किसी और का नहीं भी हो सकता तो कंपेयर ना करना आपको नहीं आ रहा आप आपके पेस से चलते रहो समझ में आ रहा है मैं सफिशेंट टाइम दूंगा किसी से रेस लगाने की जरूरत नहीं है वन डे यू श्योरली शाइन लेकिन अपना पेस पकड़ के रखो ठीक है गो सेक्शन नंबर 32 बोलो बोलो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर बराबर है सेक्शन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स जोर से बोलो कौन सा डिविडेंड एंड डिविजेबल प्रॉफिट सेक्शन वन फोर्टी ज्यादा आंसर दे रही बेटा सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव

लगाओ लगाओ सब दम लगाएंगे सब दम लगाएंगे चार्जेस ऑन असेट आपका साइड वाला आंसर दे उसको भी चेक करना है किसने सही गलत तो नहीं बोला बोलो हाँ ना सेक्शन नंबर 85 फाइव चार्जेस ऑन सेक्शन नंबर 130 जोर से बोलो आखा सेक्शन नंबर 27 प्रॉस्पेक्ट एंड allotment, ट्वेंटी हो गया फिफ्टीन फॉर्मेशन एंड इन कॉर्पोरेशन टू सबसेक्शन टेन उसको भूल मत जाना वो भी चैप्टर है प्रिलिमिनरी एंड बेसिक्स ऑफ लॉ बोलो हा है ना सेक्शन नंबर वन थर्टी टू जोर से बोलो आका सेक्शन नंबर वन फोर्टी सेवन समझ में आ रहा है सेक्शन नंबर 59, नाइन शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर सेक्शन नंबर 71, वन शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर फॉर्मेशन एंड इनकॉपरेशन वन ट्वेंटी वन बोलो बोलो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसमें से कोई भी सेक्शन आपको याद है बोलो पर ये पता है कौन से चैप्टर से अपना काम हो गया कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना जोर से बोलो एक 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 लेवल अब इसके बाद में मैं जैसे ही चैप्टर खोलूंगा और मैं सेक्शन खोलूंगा तुम चाहो या तुम ना चाहो वो जाके वही बैठेगा जहां उसको बैठना है समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना तो अपन पिछले आधे घंटे से ये ट्राय कर रहे थे स्लो थे पर रिजल्ट अच्छा है है समझ में में कल जाके उड़ते उड़ते मेरे दिमाग सेक्शन आया नहीं नहीं भाई इसके साथ ये भी पढ़ाना चाहिए जा। तो तुम नहीं जाओगे। तुम बिखर जाओगे लगे लिंक एक विलन एट अ टाइम अपन साउथ इंडियन मूवी के हीरो कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना जोर से बोले सर नो yeah. ये चीज को आप फिक्स याद रखना आज का होमवर्क हाँ अभी होल्ड सुन लो सेम लिस्ट विद द सेक्शन नंबर घर जाके एक बार वापस रिपीट करके लिख के लानी है पर याद करके देख के नहीं रफ में लिखो चलेगा ठीक है फेयर में उसको और ब्यूटीफुली लिखना चाहते हो कुछ इज्जत थोड़ा सा बची है कि सर अभी ना लिखते हो, मजा नहीं आया वरना मेरे को ऐसे वैलेंटाइंस डे सो so, मेरे को इतने प्यार से लिखना है इसको कि आगे देखो ना तो प्यार में पड़ जाऊं तो उसको घर जाकर मस्त जैसे खुद को डेकोरेट करना है वैसे है लिख के लाना कंसेप्ट समझ में आ रहा है दो चार पेन पांच दस मार्कर चलेगा बिल्कुल कोई टेंशन नहीं उसके ऊपर स्टिक नोट्स लगाओ साले को समझ में आ रहा है सबको हाँ ना हो दे खर्च कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको यस सो ना चलो सो so, यहाँ पे हमारा चैप्टर लिस्ट खत्म हुआ इसी चैप्टर लिस्ट को खत्म करने के साथ आज मैं तुम्हें समझाऊंगा सबसे पहला सवाल हमारे सिलेबस का आज से हम शुरू करते हैं हमारा सिलेबस वो है सी ए इंटरमीडिएट कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज और पहला सवाल है वॉट डू यू मीन बाय और तुम फाउंडेशन से आए हो सेक्शन कौन सा है पता है किसी को टू सब सेक्शन नंबर ट्वेंटी बोलो हा सेक्शन ट्वेंटी सिक्स पहला लाइन क्या था कंपनी मींस अब अबे अच्छा। साले सस्ते नशे चल रहे हैं यहां पे, ना डेफिनेशन क्यों बनाते हैं टेल मी वन फन थिंग डेफिनेशन क्यों बनाते माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं समझो बताओ डेफिनेशन क्यों बनाते हैं डेफिनेशन एक्ट में इसलिए बनाते हैं मतलब जब ड्राफ्टिंग शुरू करता था तब आजकल डेफिनेशन क्यों बनाते हैं कि हमने मीनिंग बोलने के बाद इसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए इसके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए नहीं तो लोगों ने रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर करके करके हर वर्ड के ऊपर लिटिगेशन ठोके है वर्ड कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ते लोग कॉमा के ऊपर भी लिटिगेशन देखेंगे ऐसे केसेस कि एक कॉमा की वजह से क्या हो जाता है कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना तो ऐसे आजकल डेफिनेशन वही इस हिसाब से नहीं बनाते कि भाई पढ़ने वालों को मीनिंग समझ में आए मीनिंग तेल लेने वो तो क्लास पढ़ाने वाली सिखा देंगे बोले लेकिन हम जो देंगे उससे लिटिगेशन नहीं होने चाहिए तो पहला ही सेंटेंस कंपनी मीनस देखते बैठो तुम तुम्हारा क्या करना है तो समझ में आ रहा है सबको हा है ना अब इसके ऊपर तुम क्या केस करोगे नहीं कंपनी मींस नॉट अ कंपनी बोलो हाँ है ना फिर उनको पूछा अच्छा गुछा, कंपनी मतलब कंपनी वाह बहुत शानदार तूफान एक नंबर चुल्लू भर लो निकल लो मैं बोले आगे लिख रहा हूं ना मैं बोला अच्छा इर्शाद रजिस्टर्ड अंडर और इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट बोला वाह 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 बढ़िया वाह उसको ठीक है भाई तू जो बोलेगा मानना तो पड़ेगा जिंदगी में ऑप्शन क्या है सो कंपनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड क्या बोले इनकॉर्पोरेटेड हे मां शक्ति इन खत्म होगी रुको सो इनकॉर्पोरेटेड अंडर क्या बोले एक बार दिस एक्ट दिस एक्ट मतलब बच्चों 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ 1956 बस उतपा ही है कि उसके पहले भी कुछ था कौन सा सुनना चाहोगे बोलो हाँ है ना दीज आर द मेनी कंपनी लॉज विच व इनकॉर्पोरेटेड बिफोर कंपनी दो हजार तेरह ला 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 ठीक है फाउंडेशन में तुमको सिर्फ 1956 बताया होगा

बोले सर, बोलो सर बोलो सर बोले तुमने बोला कंपनी तक का ऑर्डिनेंस चार पांच साल था लेकिन हमने तो सुना छह महीने चलता है आ, बोलो हाँ है ना। आ, क्या है इस वक्त हम थे कॉन्स्टिट्यूशन था तो हमारा राज था तो ऑर्डिनेंस चार पांच साल किसने चलाया होगा ब्रिटिशर्स। फिर हमको आजादी मिल गई समझ में आ रहा है सबको बोलो हाँ ना। आजादी मिल गई तो बचा क्या तो फिर हमने हमारा कंपनीज रहा है सबको हाँ ना जोर से बोलो नो क्लियर बेटा उधर आइडिया समझ में आ रहा है पक्का हाँ ना सो so, हियर आता है आपका एक्ट कौन सा नाइनटीन इन सभी लॉज में जो भी कंपनी बनी है वो सब की सब कंपनी मानी जाएगी टू सबसेक्शन ट्वेंटी में टू जो से? ट्वेंटी में कंसेप्ट में आ रहा है so एक बार कंपनी का रजिस्टर्ड अंडर और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ कब से है एटीन सिक्सटी सिक्स एटीन एटी टू नाइनटीन नाइनटीन थर्टीन 1942 ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस एंड 1956 इतने ईयर याद चाहिए कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना जोर से बोले ऊपर से हमको मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया कंपनी क्या होता है यह भी समझ में नहीं आया पर डेफिनेशन तो है तो लिखना तो पड़ेगा डेफिनेशन दिखाता हूं हमारे क्लास में एक रूल हम फॉलो करेंगे इंटरमीडिएट में बच्चा इस वजह से फेल नहीं होता कि वो पढ़ता नहीं है पढ़ते नियरली नाइनटी परसेंट सब है फेल इस वजह से होता है कि जो पढ़ा ना वो लिख नहीं पाता वो प्रेजेंट नहीं होता सोचता सौ है लिखता साठ है मिलते तीस है समझ में आ रहा है सबको हा है ना तो ये नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे एक रूल फॉलो करेंगे मैंने जो भी पढ़ा है यहां पे स्लाइड्स हमेशा ब्लैंक रहेगी तुमको खुद को उसको रिपीट करके बुक में लिखना है गलतियां होगी मैं आपको वापस स्लाइड दिखाऊंगा लेकिन तुमको पहले ट्राई करना है अभी अगर तुमको दो मिनट का कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तीन घंटे का कहां से लाओगे मारो चिल नहीं लिखना बोलना मेरी मर्जी ना आज चाहमला मूड नहीं सर ठीक है ठीक है अब मैं तुमको डेफिनेशन एक और बार दिखाऊंगा ईयर से एक और बार दिखाऊंगा खास करके ऑर्डिनेंस वाला जो ईयर वो ठीक से याद करना नहीं ईयर तो याद करना नाम भी अच्छे से याद करना क्योंकि वो सबसे ज्यादा लंबा वाला वही है कंसेप्ट समझ में आ रहा है सार, सार। पर एक चीज तुम हमसे छुपा रहे हो ऐसे ही नजरें छुपाने लगे हो लगता है किसी और गली जाने लगे हो ख्वाब जो देखे धीरे <laughs> धीरे क्यों दफ़नाने लगे हो सब बोलो ये ब्रैकेट में क्या लिखा <laughs> अब है निकम मेरे को भी दिख रहा है वो क्या है ये मीनिंग पूछ रहा हूं मैं टेन ऑफ नाइनटीन एटीन नाइन सिक्सटी सिक्स बोले क्या ही है ये और ये ऐसा क्यों है सुनोगे मैंने मैं डिलीट भी कर सकता था पर मैंने रखा है जानबूझ के हालांकि कुछ काम का नहीं है बट नॉलेज समझो 1866 ने ब्रिटिशर्स ने 40 लॉज पास किए तो इसमें से कौन से नंबर का लॉ है टेन वैसे ही बाकी सब समझो 1913 में इन्होंने 20 लॉज पास किए उसमें से कौन सा नंबर का है सेवन आर यू अंडरस्टैंडिंग ये चीज को याद रखना समझ में आया थोड़ा सा टॉपअप चेरी ऑन द दिक कंसेप्ट में आ रहा है सबको हाँ है ना नाम एक बार वापस से पढ़ लो अच्छे से देख लो ठीक है हर चीज 220, पहले 220, पहले 220, 267 नहीं, 267 220 का पार्ट है, पहले लिखना है 220 कंपनी का डेफिनेशन, फिर तू तो सब्सेक्शन 67 पहले 220 बेटा लिख लिया 220 कंप्लीट करो फिर कंपनी टू टू सिक्सटी सेवन पे पहले 220 कंपनी का डेफिनेशन कंपनी मीन से कंपनी सेक्शन कोड करो बेटा हम्म हम्म। सेंटेंस कंप्लीट करो टू सब सेक्शन ट्वेंटी का डेफिनेशन याद है सबको एवरीबडी क्या है डेफिनेशन बोलो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ ये मुझे पूरा सेंटेंस चाहिए फिर टू सबसेक्शन सिक्सटी सेवन चाहिए क्लियर है हो गया सबका बच्चों एवरीबडी हु इज कि उसने बहुत अच्छे से लिखा है बोलो, जितने हाथ रेस के उनको सबको लगता है उन्होंने कॉन्फिडेंटली अच्छे से लिखा है बोलो हाँ है ना अब देखो एक सेक्शन मतलब एक ही क्वेश्चन व्हाट इज कंपनी पंद्रह बीस मिनट पहले पढ़ा पंद्रह बीस मिनट भी नहीं दस मिनट पहले पढ़ा वही लिखना है और हम वो भी नहीं लिख सकते और लिख सकते हैं तो एटलीस्ट हाथ नहीं उठा सकते कि मेरा बहुत भारी है कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है वापस हाथ रेस करना जिन्होंने हाथ रेस किए थे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कितना परसेंट लगता है गिन लो समझ में आ रहा है चार सौ में से चालीस हाथ रेज है मैक्सिमम चालीस बोला मैंने रिजल्ट कितना परसेंट होता है आठ नौ मैक्सिमम दस तो पहली चीज आज की सीख क्या है सब जन सुनो मैं आज काफी स्लो जा रहा हूं आई नो दिस सर कुछ नहीं पढ़ा है सिर्फ चैप्टर लिस्ट पहले आके ज्ञान पेला बाद में ज्ञान पेल रहे हो ये सब तुमको पॉलिश करेगा आज जितनी टिप्स दे रहा हूं ना कंटेंट कम ले रहा हूं पर जितनी टिप्स दे रहा हूं ये सब तुमको पॉलिश करेगी सब अगले पूरे सत्तर लेक्चर में काम में आएगी याद रखना फर्स्ट थिंग लिखो तो डंकी की चोट पे लिखो कि मैं सही लिख रहा हूं गलती भी हो चलेगा पर तुमने पढ़ा ना तुमने अभी पढ़ा तुमने अभी याद किया डर क्यों रहे हो और लिखना खत्म किया और मैंने अच्छा लिखा है अगर तुम खुद तुम्हारा आंसर अच्छा है यह नहीं बोलना चाहते तो वैल्यूअर एक्सपेक्ट भी मत करना उससे दूसरा कुछ बच्चे थोड़ा शैबिली लिखते हैं मैंने उधर एक मेरे भाई को बोला दो चीजें मस्ती मजाक सबको मैं बोलता हूं सिर्फ आपको नहीं बच्चों सबको एवरी मस्ती मजाक एक एलिमेंट है क्लास का मैं हमेशा ये हर क्लास में बोलता हूं स्टार्टिंग में मंजिल सीरियस होनी चाहिए सफर कॉमेडी ही होना चाहिए जब मैं पढ़ा रहा हूं मस्ती मजाक कर रहे हो फुल करो लेकिन याद रखना जहां लिखने पे हम आए जहां हम कंसेप्ट आए पूरा न्यौछ कर देना कुछ ऐसे लिखना कि ये लास्ट आंसर तुम लिख रहे हो जिंदगी का अगर तुमको मैं जिंदगी में लास्ट कोई चीज करने के लिए दू कि तुम तो मरने वाले हो और मैंने तुमको बोला कि ये जो माउस है ना इसको पकड़ो इसको पकड़ के मरना है हाउ विल यू होल्ड इट यू विल डू इट विद ग्रेस माउस यू विल डू इट विद प्रॉपर ईज कि मैं कुछ तो भी अच्छा करके जाना चाहता हूं डू इट लाइक दैट ना ऐसे सोच के लिखना कि मर जाऊंगा साला अभी पर ये जो आंसर है ना मैं ऐसा लिख के जाऊंगा कि कम से कम दस लोग आके देखे श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछू ना किसको लग रहा है कि मेरा आंसर सही है तो सबके हाथ रेज होंगे उस ग्रेस से लिखना मंजिल हमेशा कॉमेडी रहनी चाहिए मंजिल सीरियस हो गई तो तुम चल नहीं पाओगे सीरियस हो ही नहीं सकता सॉरी गलत हो गया सो <laughs> so, सफर कॉमेडी होना ही चाहिए वरना तुम चल नहीं पाओगे मंजिल सीरियस होनी चाहिए मंजिल कॉमेडी होगी तो हो गया काम समझ में आ रहा है तो जहां चल रहा है मस्ती मज़ा, क्लास में तूफान मस्ती करेंगे जो नहीं करना वो भी करेंगे पूछना मत। <laughs> जो नहीं करना वो भी करेंगे पर जहां हम बात आए कंसेप्ट पे लॉजिक पे और लिखने पे जहां पेन उठाया मूड ट्रांस हो जाना चाहिए एक सेकंड के अंदर कि मैं अभी हंस रहा था अब मैं ऐसा हूं लिख लिख के जला दूंगा फाड़ दूंगा खत्म कर दूंगा एक सेकंड के अंदर ट्विस्ट बोलो हां है ना कल मैंने उधर के लोगों को थोड़ा डांटा था थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही डांटा था इमिडिएटली मूड ट्रांस हो गया क्या चलो पढ़ते ये स्विच होना चाहिए तुम इमोशन लेके किसी भी चीज में घुसो ना बाहर निकलते हो कंट्रोल आना चाहिए यह चीज को बहुत अच्छे से याद रखना तुम अगर मंजिल सीरियसली ले रहे हो तो नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं और मैं यह सिंपली बोल सकता हूं तुम्हारी बुक बता देगी कि, कि तुम तुम्हारे रिजल्ट के प्रति कितने सीरियस हो तुम्हारी बुक मेरे को देख के एक ग्लांस में समझ में आता है कि यह बंदा पेपर कैसा लिखेगा अब सिर्फ कुछ नहीं करना है मैं तुम्हारे तुमको एक टेस्ट दे रहा हूं तुम जहां बैठे हो ना तुम्हारा आंसर देखो और साइड वालों का आंसर देखो आजू बाजू में जितने भी है जितने जहां तक नजर जाती है उनका आंसर देखो और सिर्फ यह चेक करो कि जितने बुक्स मेरे नजर में है क्या उसमें से मेरा आंसर बेस्ट दिख रहा है और बेस्ट कंटेंट का है सिर्फ इतना चेक करो देखो देखो चेक करो अब मुझे एक बात बताओ कितने लोग ऐसे हैं कि जहां तक उनकी नजर गई उस पूरे एरिया में से उसका आंसर बेस्ट है ऐसा उसको लगता है तुम्हें तो सीए फाइनल का रिजल्ट देखना है उधर ध्यान देना सीए फाइनल का रिजल्ट देखना है ये इतना परसेंट होता है समझ में आ रहा है बच्चों अबे अब अपनी क्लास है और समझो चीजों को जरा मैं कुछ सीरियसली बोल रहा हूं तुम तो ऐसे ही चिल्लाते रहोगे ना मैं कल से वो एक ग्रुप के तीन पार्ट कर दूंगा समझ में आया क्या डांट नहीं, नहीं रहा बता रहा ऐसे नीचे मत देखो क्यों ठीक है डांट नहीं रहा बता रहा तीनों को इधर इधर और इधर तो पूरे क्लास में जोक्स होंगे फिर अच्छे से समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना तो ये चीज को याद रखना तो बहुत अच्छे से अगर तुमको ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि तुम्हारे बेंच के ऊपर तुमने अच्छे से आंसर लिखा है तो रिजल्ट समझ जाओ ना बात तो सही है समझ में आ रहा है बोलो हा है ना आइडिया क्लियर है आज का लेक्चर कंटेंट वाइज कुछ नहीं था लेक्चर नंबर फाइव रियलाइजेशन लेक्चर समझ में आया सबको कि भाई हमने पहले यह पढ़ा कि होमवर्क करना जरूरी है सेक्शन लिस्ट तो चैप्टर लिस्ट तो चलो टॉप अप था लास्ट वाला एरिया यह था कि मेरे को लिखना है तो मेरे को बहुत अच्छे से लिखना है अब तुमने सब देख लिया होमवर्क नंबर टू होमवर्क वन था चैप्टर लिस्ट ब्यूटीफुली लिखना है होमवर्क नंबर ये डेफिनेशन वापस से, से इतने अच्छे से लिख के लाना कि जब तुम रजिस्टर खोल के बैठो तो साइड वाला जेलस हो हो के मर जाए खनसे आ रहा है सबको हा है ना कि इतने अच्छे से क्या उसके ऊपर लड़कियों ने रंगोली मत निकालते बैठना समझ में आ रहा है सबको कुहा है ना और लड़कों ने तुम तो बोल नहीं पा तो ये चीज को अच्छे से याद रखना बहुत अच्छे तरीके से ठीक है दो ठीक है आज के लिए इतना काफी करते कल ढाई बजे अपना टाइम तू ही तो आया पूरा ओके okay, एक चीज कल क्लास में आने के पहले बुक्स आ चुकी होगी ठीक है तो कलेक्ट करते हुए आना आज तक बुक्स की जरूरत नहीं थी कल से हमको बुक्स की जरूरत पढ़ने वाली है अभी जाते जाते माइट भी एक मिनट होल्ड अभी मत होल्ड 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 रुको मैं फोन करके पूछ लेता हूं उधर ना एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो जाएगा हाँ एक सेकंड होल्ड कल दिखाता एक सेकंड होल्ड जस्ट ओके okay, कल दिन भर में तुम्हारे समय के हिसाब से कल बुक्स ले लेना अभी बुक्स नहीं आई है तो आज शाम या रात तक आ जाएगी कल आते वक्त टेक्स्ट बुक जो है एटलीस्ट वो लेके आ जाना आपको कौन कौन सी बुक्स मिलने वाली मैंने बोला था एक बार काउंट कर लो सब जन फर्स्ट ऑफ ऑल मेन बुक क्वेश्चन एयर कंपनी लॉ का मेन बुक अलाइड लॉ का मेन बुक मतलब अदर लॉ का मेन बुक क्वेश्चन एयर कितने हो गए जोर से बोलो कितने एम सी क्यू आंसर राइटिंग बुक सोल बुक Charts. Charts. समझ में आए सात चीजें तुमको मिलने वाली है सर ये सोल बुक क्या है देखेंगे ठीक है सो कल ढाई बजे अपना टाइम नंगा ही तो आया पूरा जोर से बाला होमवर्क करना भूलना मत रूल सबको आपको याद है कल मिलते हैं गुड्डे